हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। ये तो विधानसभा चुनाव परिणामों के साथ ही तय हो गया था कि राज्यसभा चुनाव में सपा को जबरदस्त घाटा होने वाला है, लेकिन अब तय हुआ कि इस घाटे की असल चोट नरेश अग्रवाल और किरण मेहनंदा जैसे नेताओं पर पड़ेगी। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था कि सपा के नरेश अग्रवाल राज्यसभा में कुछ ज़्यादा ही मुखर हैं, लेकिन ये क्या पता था कि उनकी मुखरता या कहें बड़बोले बयान भी उनके काम नहीं आएंगे और सपा नरेश का राज्य नहीं लौटाएगी। सिर्फ एक सीट हासिल करने में सक्षम सपा ने जया बच्चन का नाम फाइनल कर दिया और हरदोई के नरेश को ठेंगा दिखा दिया। सपा ने नहीं लौटाया नरेश का राज्य। कट गया नरेश अग्रवाल और किरण में नंदा का पत्ता। दिग्गज दरकिनार, राज्यसभा जाएंगी जया। अप्रैल में सपा के 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सीटों की गिनती के हिसाब से सपा फिलहाल सिर्फ एक ही नेता को राज्यसभा भेज सकती है, यानी सीधे सीधे 5 सीटों का नुकसान। इस पर सपा ने दिग्गजों को दरकिनार करते हुए जया बच्चन का नाम फाइनल कर दिया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं। इनमें किरण मेहनंदा, दर्शन सिंह यादव, नरेश अग्रवाल, जया बच्चन, मुनव्वर सलीम और आलोक तिवारी शामिल हैं। सपा के पास 47 वोट हैं, जिसमें वो सिर्फ एक सदस्य को संसद भेज सकती है और बाकी वोटों से सपा बसपा का समर्थन करेगी। ऐसे में सपा ने नरेश अग्रवाल, किरण मेहनंदा, दर्शन सिंह यादव, मुनव्वर सलीम और आलोक तिवारी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। सपा ने अपने 6 राज्यसभा सदस्यों में से सिर्फ जया बच्चन को भेजने का फैसला किया है। नरेश जी अनुभवी व्यक्ति हैं, वह लोकतांत्रिक कांग्रेस में रहे, राजनाथ जी की कैबिनेट में रहे, कांग्रेस में रहे, बहुजन समाज पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, तो उनको यत्र तत्र सर्वत्र हर राजनीतिक गलियारों का अनुभव रहा है। जहाँ तक श्रीमती जया बच्चन हैं, वह बड़ी निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी की हर व्यवस्था में रही। हम लोग जब थे हमारे साथ निष्ठापूर्वक थी, जब हम लोग हट गए तो निष्ठापूर्वक हट गई। मुलायम सिंह के साथ निष्ठापूर्वक रही, जब मुलायम सिंह निकल गए तो निष्ठापूर्वक वह अखिलेश यादव के साथ रही। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के करीबी दर्शन सिंह यादव का पत्ता पहले ही कट चुका था। आजम खान के खास मुनव्वर सलीम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आजम खान की मेहरबानी से पिछली बार राज्यसभा पहुंच गए थे। इस बार वो रेस से बाहर थे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ब्रिजभूषण तिवारी की मौत के बाद आलोक तिवारी को सांसद बनाया गया था, लेकिन अखिलेश के हाथ में कमान आने के बाद उनका भी पत्ता कट गया। अब लड़ाई नरेश अग्रवाल, किरण मेहनंदा और जया बच्चन के बीच थी। ऐसे में किरण मेहनंदा और नरेश अग्रवाल का पत्ता कट गया और पार्टी ने जया बच्चन को 4थी बार राज्यसभा भेजने का फैसला किया। आपको बता दें, यूपी में फिलहाल एक सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए औसतन 38 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में 47 विधायकों वाली सपा सिर्फ एक को भेजेगी और बाकी 10 वोटों से बसपा का सहयोग करेगी। फिर भी बसपा को कांग्रेस और अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, यानी फिलहाल सपा ने अपने नरेश का राज्य लौटाने से इनकार कर दिया है। उधर बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कुछ नाम घोषित कर दिए। इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली उत्तर प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी इससे कई समीकरण साधने की कोशिश में। बता दें आपको, वित्त मंत्री अरुण जेटली का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा है। रिपोर्ट, समाचार प्लस।